कहते हैं शादियां दो दिलों का मिलन होता है। खैर, मिलेगा दिल या मिलेगा बेलन, ये तो बात की बात है। लेकिन शादियों में भूले बिछड़े भटके नए पुराने सीधा खच्चर कमीने सब तरह के दोस्त मिल जाते हैं। अरे भाई, मौका ही कुछ ऐसा होता है। गिफ्ट सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के गिफ्ट देते हैं उस तरह का असर पड़ता है। वैसे आम लोगों के मन में चलता होगा एक विचार कि क्या दे उनको हम उपहार, लेकिन भैया ये सब दोस्तों के सामने सब है बेकार। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही शादियों में दोस्तों द्वारा दिए गए उपहार को देखेंगे, जिसे देखने के बाद आप यही बोलेंगे कि ये एक दोस्त ही कर सकता है, दूसरे में किसी में हिम्मत नहीं है, और आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दोस्तों के शादियों में ही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वैसे हमारे यहाँ गिफ्ट के बदले लोग थैंक्स नहीं बोलते, कहते हैं क्या जरूरत थी इसकी। लेकिन ऊपर मन से भैया अंदर इस बात की चुल मचा रहता है कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, और ये रहा पहला गिफ्ट, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा बॉक्स है और उम्मीद करते हैं कुछ बड़ा ही होगा। अभी और बॉक्स है। अरे भाई जल्दी खत्म कर यार, और वीडियो दिखाना है। अरे ऐसा क्या गिफ्ट है भाई कि इसे 17 डब्बों में पैक किया हो, जिसे खोलने में 117 मिनट लग रहे हैं, और अगर इसमें कुछ सस्ता आइटम निकला ना तो भैया 17 जन्म तक याद रहेगा। अबे मजदूरी भी नहीं निकलेगी जितना खोलने में मजदूर लग रहे हैं इसमें। क्या इतनी सी अंगूठी और इतना बड़ा झमेला? ओ भाई साहब, कोई कोई लोग तो ऐसा ऐसा गिफ्ट देता है कि खोलने वाले का फट जाए, फटते फटते पैकिंग, मतलब क्या है यार ये। वैसे भाई जिसके शादी में कुत्ता कौवा भी ना आए, उसके भी शादी में दोस्त जरूर आते हैं। अब भाई मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, खासियत बता रहा हूँ। और जिसके शादी में दोस्त नहीं गए, समझ लीजिए कि गाँव वाले बस यही बोलेंगे कि अबे शादी करने आए हो या आइसक्रीम बेचने, कुछ लग ही नहीं रहा है। तो लेकिन लगभग सभी के शादियों में दोस्त जाते हैं, और जहाँ पे गिफ्ट का प्रचलन होता है वहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। वैसे शादी के बाद इसका काम तो आने ही वाला है, और भाभी जी बस यही सोच रही होंगी कि इसका इस्तेमाल रोटी बनाने में करना है या ये तो खैर वक्त की बात है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इस पे सब कोई का ध्यान नहीं जाता। ये रहा, गेम स्टार्ट एंड गेम ओवर। भाई मैं भी इस गिफ्ट से पूरे तरह से सहमत हुआ, और ये देने वाला इस सदी का सबसे महान फिलोसोफर बनने का शायद लग रहा है। पर भाई भरी सभा में बिना कुछ पकड़े खिंचाई करना, कोई सीखे इनसे, इनसे सीखे जरा। शादी के दिन बच्चे वाले झुंझुना, फ्यूचरिस्टिक सोच, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट। अब मैं ये वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आप जरा इसमें दिमाग दौड़ाइएगा कि क्या, क्यों, आखिर क्यों। अब इसे फ्यूचरिस्टिक सोच कहे या जिसका शादी हुआ उसे ही सब बच्चा समझते हैं दूध पीने वाला, ये तो ऐसे दोस्त ही बताएंगे। खैर हम आगे बढ़ते। खैर यहाँ पे बहुत बड़ा बॉक्स दिख रहा है, और ये खोलते हुए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। एकदम सस्पेंस बना हुआ है। और ये क्या, अबे घोड़ा निकल गया क्या मतलब है इसका? ये कहीं जिसके शादी हुए उस घोड़े को लगाम लगाने से तात्पर्य तो नहीं है? खैर आप अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और कमेंट में बताइए कि आखिर मतलब क्या मतलब हो सकता है इसका यार। पर यहाँ पे एक मस्त सजाए हुए गिफ्ट का पैकेट ले जाते हुए और इसे खोलने पे, अबे
ये क्या निकला? प्याज? ये कैसा गिफ्ट था भाई? मुझे लगता है कि ये गिफ्ट उस समय का होगा जिस समय प्याज बहुत ज्यादा महंगा हुआ। मतलब सब सोचे होंगे कि यार इससे महंगा ले जाए क्या, आखिर दोस्त तो दोस्त होते हैं। पर हमें इस बात का शंका है कि उस समय जितना महंगा प्याज था, अगर ये प्याज को महफिलों में लुटा दे तो लोग पैर हाथ तोड़ के बैठ जाएंगे प्याज के चक्कर में। यार इतना महंगा गिफ्ट। खैर आप अब ये देखिए, और इनका तो एक अलग ही लेवल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या कहे इसको, क्या नाम दे इस गिफ्ट का, सस्ता में कुछ बड़ा देने का प्रयास। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सा बॉक्स दिखता हुआ, खुलता हुआ, और इस सस्पेंस में कि इसके अंदर निकलता है क्या कुछ। अबे क्या निकलेगा दोस्तों, का है कुछ फालतू नहीं निकलेगा। क्या 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 शादियों में बच्चे वाला आइटम? अबे इतना फ्यूचरिस्टिक कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा है यार, ऐसे शर्मिंदा करोगे। अब जरा ये देखिए आप, ये किस तरह का गिफ्ट है यार, ऐसा कौन लाता है? अब सब्जी बेचने वाले दोस्त को इतना जल्दी बाजी में बुलाओगे तो यही लाएगा ना। वैसे गिफ्ट गिफ्ट एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई देता है लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं होता, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल हो सकता है यार। इतना इस्तेमाल करने लायक गिफ्ट देता कौन है यार? वैसे ये दोस्त है मुंह पे नहीं कह पाते तो इशारों में बता देते हैं। ये देखे जरा, इसका साफ साफ इशारा है कि भैया आपका अब से बजने वाला है, बस अब समझ जाओ। अब ये देखे जरा, ये क्या है यार, इससे ज्यादा अच्छा तो सिर्फ फोटो फ्रेम ही दे देते। मतलब क्या है, किसका फोटो है यार, क्या जोड़ी बना दी। खैर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी बड़े, अरे जब जरूरत पड़े तो कपड़े खोल कर भी महफिल में नाच ले, लेकिन लेकिन दोस्तों का गिफ्ट सबके सामने ना खोले। पता नहीं वो गिफ्ट देने आए हो या लेने, आपका इज्जत कुछ भी हो सकता है यार। तो बस आज का वीडियो यही था, और आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। हाँ वो दोस्तों पे कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बेलाज आदमी हो तो। खैर आज हम आपको दो लाइनों के साथ छोड़े जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि माना कि दोस्त कमीना होता है। वैसे आपने भी बोला होगा और सुना भी होगा कि माना कि दोस्त कमीना होता है, पर ऐसे दोस्तों की दोस्ती में कमी ना होता है। तो बस दोस्ती बरकरार रखे, अपने दोस्तों में आपका और हमारा दोस्ती बने रहे, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सभी इस तरह के दोस्तों में शेयर जरूर करें। और बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।